ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर है, बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, कि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा, मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी, एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी। किसी चीज को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई। आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो गए, भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या, तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था और वो बात भी सही थी, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा, कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का, 5 फुट 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा, मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग ली थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल, 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ उसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूँगा, ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी, आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग, लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी जिंदगी में। 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का, तो एटलीस्ट उसको ये, उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 जो तरीके हैं, 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको। आई थिंक मेरे पास 10-12 साल तक कोई काम नहीं था। जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बैठ जाता, पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग। लेकिन एक चीज थी कि लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है। ये जो हजारों लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उन्हीं में से वो एक इंसान होगा, उसी में वो ठाकरे, बाड़ा साहब ठाकरे होंगे, उसी में मंटो होगा, उसी में गणेश गायतोंडे होगा, उसी में फैजल खान होगा। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो एक मौका होता है आपके पास, वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप। ऑफ कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते
क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है, तू तेरा दिन भी बदलेगा। और मैं जिस गांव से आया था, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर की एक छोटा सा गांव था बुढ़ाना, जब हमने शुरुआत की थी वहां पे, जब मैं था वहां पे लाइट भी नहीं थी। 1 घंटे के लिए रात में कभी आ गई या 1 महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई, इस तरह की लाइट इस तरह होती थी। वही लैंप पे पढ़ना स्टार्ट किया लैंप। मैं जब मुंबई में आया था तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। वापस नहीं जा सकते थे, वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे। वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते, क्यों भाई वापस आ गए तुम भी? सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी।